फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू। आइए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे, एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल मसाले हमारे जल जाएंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून MDH का जो किचन किंग मसाला आता है ना, वो डालेंगे। हमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर अलग से नहीं डालनी, वो किचन किंग से ही हमारे सब्जी बन जाएगी। और इसे हम मिला लेंगे और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मसाला भुन चुका है, अब इसमें हम थोड़ा टमाटर डालेंगे और इसे भी हम चला लेंगे। इस तरीके से इसे हमें मिलाना है। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम उबले हुए आलू डालेंगे। ये 8 आलू है, अब इसको हम काट लेते हैं। आलू डालेंगे और इसको मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और इसे हम मिला लेंगे। आलू भी भून चुकी है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब इसमें उबाल आने देते हैं। दम आलू में उबाल आ चुका है, देखिए। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ करती हूँ। अब इसको
मैं एक बाउल में निकाल के सर्व करूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा हरा धनिया ऐड करूंगी, ऊपर से गार्निश के लिए डालूंगी। दम आलू बिल्कुल रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।